चोटी पे साइकिल चलाना, लंबे घंटों तक डांस एक्सरसाइज, दौड़ना कैलोरीज बर्न करने के लिए, या फिर जब हम नर्वस या एंग्शियस हो, इन सब चीजों में एक चीज क्या कॉमन है? माथे पर पसीना। जी हाँ, पसीना। सब पसीना बहाते हैं, लेकिन कभी सोचा है क्यों? हम पसीना क्यों बहाते हैं? जागे क्यूरियस बंटी। पसीना एक फंक्शन है नॉर्मल और हेल्दी बॉडी का, और ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जो जानवरों में भी होता है। हम एक्चुअली पसीना बहाते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए। इस एक्यूरेट बैलेंस को कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन। पसीना कंट्रोल होता है हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स नर्वस सिस्टम से। हमारा ब्रेन सिग्नल्स भेजता है 3 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स को, और हम पसीना बहाना शुरू कर देते हैं। पसीना हमारी बॉडी से इवेपोरेट हो जाता है और ये बॉडी टेम्परेचर को नीचे लाता है। वैसे स्वेट ग्लैंड्स हमारे बॉडी के हर पार्ट में होते हैं, जैसे कि हाथ, हमारे फेस, हमारे फीट के नीचे, अंडरआर्म्स और जेनिटल एरियाज में। तो पसीना किससे बनता है? पसीने में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और माइक्रोब किलिंग प्रोटीन्स होते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए। हम कब पसीना बहाते हैं? गर्म एनवायरनमेंट में, फिजिकल एक्टिविटीज करते हुए जैसे एक्सरसाइजिंग, जब इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी, जब हम गर्म और स्पाइसी खाना खाते हैं, जब बॉडी इन्फेक्शन या फीवर से लड़ रही होती है, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, पीरियड्स या प्यूबर्टी, या फिर हार्मोनल चेंजेस के दौरान भी। पसीना बहाना इम्पोर्टेंट क्यों है? पसीना माइक्रोब्स को मारता है, पसीना बॉडी को डिटॉक्स करता है और टॉक्सिन्स निकालता है, पसीना स्ट्रेस को कम करता है। हम 1 लीटर प्रतिदिन पसीना बहाते हैं। इसमें से बहुत कुछ इवेपोरेट हो जाता है जिसे हम नोटिस भी नहीं करते, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी या फिर किसी इंटेंस एक्सरसाइज सेशन के दौरान हम 10 लीटर तक पसीना बहा सकते हैं, और 10 लीटर जितना पसीना आपकी बॉडी में हाइपर हाइड्रोसिस, हार्ट प्रॉब्लम्स, थायराइड ग्लैंड माल फंक्शनिंग और साइकेट्रिक इश्यूज भी ला सकता है। पसीने से स्मेल क्यों आती है? पसीने में पानी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, यूरिया, फैट्स और अलग सब्सटेंसेस होते हैं। इनमें से कोई भी चीज में बढ़ावा होगा तो पसीने से स्मेल आती है। पसीना यूजुअली विदाउट स्मेल वाला होता है, लेकिन जब ये स्किन की बैक्टीरिया से मिले तो इसे स्मेल आती है। तो पसीना से एम्बैरस होना चाहिए? दोस्तों, हम में से हर कोई ऐसी सिचुएशन में तो फंसा ही है ना? लेकिन घबराइए मत, कि एक नेचुरल थिंग है। लेकिन बाकी कई सारे लोगों के लिए पसीना बहाना नाइटमेयर जैसा है, तब जब हम किसी स्पेशल ओकेशन के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि एक डेट, पार्टी, प्रेजेंटेशन, या जब हम ऑडियंस को किसी परफॉर्मेंस के लिए फेस करें। अब इतनी भी बात का बतंगड़ नहीं बनाते, क्योंकि इसे कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। हम पसीने को कैसे कंट्रोल करें? पसीने को रोकने के लिए कई प्रोडक्ट्स में एल्यूमिनियम सॉल्ट होता है। ये नमक जब वेट बॉडी पर यूज किया जाता है तो जेल में बदल जाता है, जो हमारे छोटी पसीने के ग्लैंड्स को थोड़े वक्त के लिए कंट्रोल करे। रिसर्च बताती है कि एंटी परस्पिरेंट्स भी सेफ हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो क्रीम या डिओड्रेंट हो, उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप भी इस वीडियो को देखकर चैन की सांस ले रहे होंगे। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए क्यूरियस पंक्ति। बचाओ अपने ज्ञान की घंटी।